हाय मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्य। ठीक है, सही ना? सूर्य पढ़ेंगे। चेहरा दिखाई क्या है? सूर्य के अंदर सूर्य की कितनी परतें? छह परत होती है। ठीक है, कितनी परत होती है? छह। इसकी तीन परतें जो होती है आंतरिक होती है और तीन के बाहर होती है। इसकी जो आंतरिक परतें ना उनको पढ़ेंगे सबसे पहले। इस परत का क्या नाम है बताएंगे? कोर में और क्या होता है? कोर में हाइड्रोजन, हीलियम, सेलेनियम, नाभ के सेलेनियम क्रिया करता है। ठीक है, और सूर्य जो होता है कौन सी अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में। जो सूर्य होता है ना, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितने परसेंट होती है? कितने परसेंट होता है? नहीं बताओ, हीलियम की होती है, हीलियम कन्वर्ट होता है। ठीक है, और हीलियम की कितनी होती है? 24%। और बाकी जो होती है वो अन्य गैसें, जो बाकी होती है अन्य गैसें हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं, ये जरूरी है। ठीक है, बाकी तो होती ही गैसें हैं। और जो कोर होती है ना, सूर्य का जो आंतरिक भाग होता है कोर केंद्र, इसका टेम्परेचर कितना होता है? कितने डिग्री? 15 मिलियन डिग्री होता है। कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री। ठीक है, 15 मिलियन डिग्री। ये कौन सी परत है? कोर। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, सेलेन क्रिया करता है। ठीक है, और क्या जो सूर्य होता है कौन सी अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। इसमें हाइड्रोजन कितने परसेंट होता है? 75% होता है। और हीलियम कितना परसेंट होता है? 24% होता है। और इसमें इसका टेम्परेचर कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री। सही ना? ये तो एक परत। इसके बाद दूसरी परत कौन सी है? इसको क्या बोलेंगे? विकिरण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? विकिरण। इसमें क्या होता है? इसका 15,000 टेम्परेचर होता है। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले तो एक्स किरण निकलती है, सारे किरण। ठीक है, और इसमें कौन सी? गामा किरण। और क्या होता है इसमें? फोटान। वही प्रकाश होते हैं। फोटान क्या? प्रकाश है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये विकिरण मंडल, ये दूसरी परत है विकिरण मंडल। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले तो एक्स किरणें बनती है और गामा किरणें और फोटॉन बनता है। ठीक है, उसके बाद ये तीसरी परत कौन सी है? संवहन मंडल। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। ये जो होता है हाइड्रोजन के सेल होते हैं, क्या होता है इसमें? हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। सही ना? देखो, सबसे आंतरिक परत कौन सी? कोर है। ठीक है, इसका कितना टेम्परेचर होता है? 15 मिलियन डिग्री। और इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन होता है कितना परसेंट होता है? 75%। हीलियम होता है कितने परसेंट होता है? 24%। और क्या होता है इसमें? जो सूर्य होता है ना कौन सी अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। सही ना? उसके बाद विकिरण मंडल। विकिरण मंडल में क्या होता है? एक्स किरणें होती हैं, गामा किरणें होती हैं और फोटॉन होता है। ठीक है, और जो संवहन मंडल होता है इसमें हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। सही ना? कोई दिक्कत? देखो, ये जो होता है ना, यहाँ से जो फोटॉन है ना, ये प्रकाश है। यहाँ से जब प्रकाश निकलता है ना, तब इस प्रकाश के साथ में क्या होता है? ये एक्स किरणें और गामा किरणें दोनों इनके साथ में ही निकलती हैं। ठीक है, जब ये फोटॉन प्रकाश से निकलेगा तो इनके साथ में एक्स और गामा किरणें जरूर जाएंगी। ठीक है, जब जो जरूर आएंगे ना, तब ये फोटॉन जो होता है ना, इसके प्रकाश को जो सेल में बाहर पाया जाता है, सेल ना इन एक्स किरणें और गामा किरणों को क्या करता है? रोक लेता है अंदर ही, इनको बाहर नहीं जाने देता है। सही ना? ये प्रकाश, ये एक्स किरणें और गामा किरणों को बाहर नहीं जाने देता है। ये फोटॉन जो ना, ये सेल इनको नहीं जाने देता। अगर ये बाहर चला जाए तो हमारे लिए बहुत मतलब हानिकारक सिद्ध हो सकता है। कौन रोक लेता है? हाइड्रोजन के सेल होते हैं ना, इसको अंदर रोक लेते हैं। फिर क्या होता है इसमें? क्या होता है? हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। जो सूर्य है ना, इसकी सतह का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री। जो यहाँ होता है कोर में, इसमें हाइड्रोजन होता है, हीलियम में कन्वर्ट होता है। सही ना? हाइड्रोजन हीलियम में होता है, बदलता है, नाभिक सेलेन क्रिया करता है। ठीक है, जब ये नाभिक सेलेन क्रिया बहुत ज़्यादा होने लगती तो फिर क्या होता है ना, तब यहाँ से क्या होता है? तब यहाँ से सूर्य ज्वाला निकलते हैं। क्या निकलते हैं? सूर्य ज्वाला निकलते हैं। सूर्य ज्वाला का टेम्परेचर कितना होता है? 7000 डिग्री। यहाँ से क्या निकलता है? सूर्य ज्वाला।
जो 7000 डिग्री इसका टेम्परेचर है ना, तब ये कैसा होगा, कतई धधकता हुआ होगा गोला, ठीक है। ये सूर्य ज्वाला होते ना जिनसे लपटें निकलती हैं, ये क्या होता है, ये लपटें निकलती बहुत तेजी से, सूर्य ज्वाला, ये जो लपटें निकलती है ना ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये जो लपटें होती है ना, ये लपटें हमारी पृथ्वी के ऊपर गिर जाए तो बहुत बड़ी नुकसान हो सकता है ना, सही ना। और ये गुरुत्वाकर्षण जो होता है हमारी पृथ्वी में, ये इन लपटों को अपनी ओर खींच लेता है पृथ्वी हमारी, तो पता इसके ऊपर एक परत पाई जाती है इस तरह से, इसके ऊपर क्या पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, उस परत का नाम क्या है, वायुमंडलीय परत, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच का काम करती है, क्या, सुरक्षा कवच का काम करती है। ये जो लपटें गिरती है ना, तो यहाँ पे जो लपटें गिरती हैं इसके ऊपर, तो ये वायुमंडलीय परत होती है ना, इसको इस पृथ्वी के अंदर नहीं जाने देती है, इसको इधर उधर धकेल देती है, ठीक ना, इस तरह से इधर उधर धकेल देती है। अब ये इधर उधर धकेलती है ना, इसको क्या बोलेंगे, ये चमकता हुआ हमें दिखाई देता है, ठीक है। इसको उत्तर में क्या बोलेंगे, अरोरा बोरियोलिस, और इसे दक्षिण में अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है, इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलेंगे, ठीक है। जब ये जो लपटें होती ना, ये अरोरा, ठीक है, ये लपटें होती हैं, इन्हें अरोरा बोलेंगे। ये जो होती ना, ये वायुमंडलीय परत से जब टकराती है ना, तब इनमें एक आवाज़ आती है, घर्षण होकर टकराती ना, तो इनमें एक आवाज़ आती है, उसे हम बोलेंगे विसलर, क्या बोलेंगे, विसलर बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, विसलर। और जो संवाहन मंडल है ना, ये क्या होता है, ये संवाहन मंडल जो है ना, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। और जो ये देखो ज़्यादा ज़्यादा ये मतलब ये टेम्परेचर इसमें होता है तो ये निकल जाती है, ठीक है। और जो कम टेम्परेचर की जो होती है ना सूर्य ज्वाला, वो क्या करती है, वो सूर्य जो इसका गुरुत्वाकर्षण सूर्य का खुद होता है, ये अपने गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, इनको दोबारा वापस खींच लेता है, सही ना। तो ये वापस दोबारा खींच लेता है, तो इनका टेम्परेचर कितना होता है, 3000 डिग्री। और ये दोबारा जब वापस खींचता है ना, तब इस तरह कर यहाँ पर कहीं कहीं सूर्य कंकाल हमें दिखाई देते हैं, ये धब्बे, सही ना, ये जो धब्बे दिखाई देते हैं, और ये कतई काले होते हैं, तो इनको ही सूर्य कंकाल बोलते हैं। सूर्य कंकाल यहाँ पर कितना टेम्परेचर होता है, सूर्य कंकाल का 1500 डिग्री, जो जो है ना, ये यहाँ पर काला काला केंद्र होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अम्बरा, ठीक है, क्या बोलेंगे, अम्बरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत, सही ना। ये आंतरिक तीनों परतें हैं, सबसे पहले देखो देखेंगे, सबसे पहले कोर है, कोर में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम से नाभिकीय संलयन क्रिया करता है, सूर्य जो होता है कौन सी अवस्था में, हमारा प्लाज्मा अवस्था में। फिर जो केंद्र जो कोर है ना, कोर का टेम्परेचर कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री, हाइड्रोजन इसमें कितने परसेंट होती है, 75% होती है, और हीलियम कितना होती है, 24%। उसके बाद कौन सी मंडल आती है, विकिरण मंडल, विकिरण मंडल में क्या होता है, एक्स किरणें होती है, गामा किरणें होती है, और इसमें क्या होता है, फोटॉन होता है। जो फोटॉन होता है ना, ये प्रकाश के रूप में बाहर जब निकलता है, तो एक्स किरणें गामा किरणें अपने साथ में लेके चलता है, तो इनको पता कौन रोकता है, जो हाइड्रोजन के सेल बाहर, जो हमारी संवाहन मंडल तीसरी परत होती है ना, उसमें हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं, ये एक्स किरणें और गामा किरणों को रोक लेता है, ठीक है। सिर्फ फोटॉन को ही पृथ्वी पर भेजता है, अगर ये सब निकल के बाहर आ जाए पृथ्वी पर, तो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं, कोई दिक्कत, सही ना। फिर जो यहाँ पर जो संलयन नाभिकीय संलयन क्रिया होती है ना, यहाँ पर जब क्रिया होती है तो चमकता है, अब जब बहुत ज़्यादा नाभिकीय संलयन क्रिया होगी तो फिर क्या होगा, तब यहाँ से सूर्य ज्वाला निकलेगा। जब सूर्य ज्वाला निकलते हैं, सूर्य ज्वाला का टेम्परेचर कितना होता है, 7000 डिग्री, ठीक है। जो सूर्य ज्वाला का टेम्परेचर कितना होता है, 7000 डिग्री, जो बाहर के लिए निकल जाता है उन्हें सूर्य ज्वाला बोलेंगे, जो दोबारा वापस सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लेता है ना, तो उन्हें सूर्य कंकाल बोलेंगे। सूर्य कंकाल का कितना टेम्परेचर होता है, 1500 डिग्री। सूर्य कंकाल के केंद्र को क्या बोलेंगे, हम अम्बरा बोलेंगे, ठीक है। और जो सूर्य ज्वाला होता है ना, इनसे एक लपटें निकलती है, उन्हें अरोरा बोलते हैं। यह हमारी पृथ्वी पर जो होता है ना, हमारी पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन लपटों को अपनी ओर खींचती है, तो ये लपटों को अपनी ओर खींचती है, तो हमारी पृथ्वी के ऊपर एक परत पाई जाती है, उसका नाम वायुमंडलीय परत बोलते हैं, ठीक है। जब ये लपटें और वायुमंडलीय परत आपस में टकराती है, इसे अरोरा बोलते हैं, ठीक है। जब ये टकराती है तो उनसे एक आवाज़ आती है घर्षण के कारण, उसे बोलेंगे विसलर, विसलर होता है, ठीक है, विसलर बोलेंगे जो आवाज़ आती है उसे। और जो ये वायुमंडलीय परत होती है ना, इसको क्या करते हैं, इसको चारों ओर पृथ्वी के अंदर गिरने नहीं देते हैं, इसको चारों ओर धकेल देती है वायुमंडलीय परत, ये हमारी सुरक्षा कवच होती है। तब ये चारों ओर ढकेल देती है, तब यहाँ से प्रकाश हमें दिखाई देता है, उस प्रकाश को हम उत्तर की ओर अरोरा बोरियोलिस बोलेंगे, और दक्षिण की ओर अरोरा ऑस्ट्रेलिस, सही ना, कोई दिक्कत। इसके बाद ये हो गया, Cool.
ये तो सूर्य की आंतरिक परतें थी, ठीक है। अब सूर्य की बाह्य परतें देखेंगे। देखो ये पूरा सूर्य है, ये सूर्य है ना, ये सूर्य की बाह्य परतें हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके जो आंतरिक परत है उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फोटोस्फीयर को क्या बोलेंगे, प्रकाश मंडल बोलेंगे, प्रकाश मंडल। फिर इसके बाद क्या है, क्रोमोस्फीयर, इसे बोलेंगे क्रोमोस्फीयर। इसको क्या बोलेंगे, वर्णमंडल, वर्णमंडल। उसके बाद कौन सा है, कोरोना, कोरोना परत। इसके बाद कोरोना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, क्रीट, क्रीट। कोरोना को ही सूर्य का मुकुट कहते हैं, क्या बोलते हैं, सूर्य का मुकुट, कोरोना ही को बोलते हैं, ठीक है। जो फोटो स्फीयर होता है ना, इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका कोरोना, फोटो स्फीयर का, फोटो स्फीयर, प्रकाश मंडल कितना होता है, इसका टेम्परेचर फोटो स्फीयर होता है ना, इसका कितना टेम्परेचर होता है, इसका 6000 डिग्री होता है। जो क्रोमोस्फीयर होता है इसका टेम्परेचर कितना होता है, 3000। इसका होता है 32000। कितना होता है, इसका होता है 32000, ठीक है। और जो कोरोना होता है ना, इसका टेम्परेचर कितना होता है, 27 लाख। कितना होता है, 27 लाख। इसका टेम्परेचर होता है 27 लाख, सही ना। और इससे क्या होता है, इससे यक्ष किरणें उत्सर्जित होती हैं, इससे क्या होता है, यक्ष किरणें उत्सर्जित होती हैं। कौन सी किरणें, यक्ष किरणें उत्सर्जित होती हैं, सही ना। जो इसके आंतरिक परत है इसे क्या बोलेंगे, फोटोस्फीयर, इसे प्रकाश मंडल बोलते हैं। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री। फिर क्रोमोस्फीयर, इसे वर्णमंडल, इसका टेम्परेचर कितना होता है, 32000। फिर इसे कोरोना, इसका टेम्परेचर 27 लाख होता है, ठीक है। ये तीनों होते हैं, तो तक कुछ पॉइंट है, ठीक है, उनको नोट करेंगे। देखो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना होता है, लगभग 109 गुना अधिक होता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना होता है, 28 गुना अधिक होता है, ठीक है। तो सूर्य का घनत्व है ना, पृथ्वी के घनत्व से कितना होता है, 20 गुना अधिक होता है, ठीक है। सुनो,
उसके बाद है सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से कितना होता है, 3,32,000 अधिक होता है, ठीक है, गुना अधिक होता है। सूर्य से 10^26 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है, कितनी निकलती है, 10^26 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है। कोई दिक्कत? ये पे तो दिक्कत आ रही है।